राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी शर्म करो के नारों से मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर उस समय गूंज उठा जब भाजपाइयों ने जोरदार नारेबाजी की। राफेल मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार के बाद से भाजपा ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मुरादाबाद में सैकड़ों की संख्या में भाजपाई पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर उतर आए हैं और लोकसभा चुनाव के पूर्व निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी को राफेल डील मामले पर चोर है का नारा दिया था। पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी दो दिन पहले एक फैसला दिया है राफेल विमान के संबंध में, जिस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी जी और अन्य लोग सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की याचिकाएं डाली थी कि इस पे राफेल पे जांच हो, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उस सब याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जो विपक्षी पार्टियां राफेल को मुद्दा बना के पूरे चुनाव में बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही थी, कोई उसमें बड़े बड़े घोटाले की बात करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साबित कर दिया कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रक्रिया अपनाई है उसमें कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम आज जो हमारा प्रदर्शन है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए राहुल गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि अब उन्हें जो देश में उन्होंने देश को बरगलाने का काम किया, अब उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जिला और महानगर के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और प्रदर्शन के माध्यम से राहुल गांधी जी से अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी से अपील करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से इस मामले पर माफी मांगे। कोर्ट के फैसले के बाद आज मुरादाबाद भाजपा ने राहुल गांधी के इस झूठे कृत्य को मुद्दा बनाते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और एक ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई कि राहुल गांधी सामने आकर देश की जनता से माफी मांगे।